पहला विश्व युद्ध इतिहास की सबसे खतरनाक घटना मानी जाती थी, जिसमें करीबन 20 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मगर युद्ध के अंत में एक फ्लू के फैलने से विश्व में उससे भी घातक परिस्थिति का निर्माण हुआ, जो स्पैनिश इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना गया, और इससे अर्थ पर हर 3 में से एक व्यक्ति इस फ्लू से इन्फेक्टेड था। ये मॉडर्न इतिहास का सबसे खतरनाक पैंडेमिक साबित हुआ, जिससे 50 से 100 मिलियन लोगों की जान को हानि पहुंची। अब जब कोरोना वायरस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि कोई फ्लू जैसी बीमारी पैंडेमिक या महामारी का रूप कैसे ले लेती है और इसके बाद क्या होगा। दुनिया के तमाम डिजीज एक्सपर्ट कहते हैं कि जब कोई इन्फेक्शन एक ही वक्त पर कई देशों और महादेशों में फैलने लगता है तो वो पैंडेमिक का आकार ले लेता है, मगर ये एक और शब्द एपिडेमिक से अलग होता है। एपिडेमिक यानी कि जब कोई बीमारी या इन्फेक्शन बड़े रूप में फैलने लगती है, मगर एक सीमित दायरे के अंदर, जो एक सिंगल रीजन या लोकेशन को प्रभावित करे। ऑफिशियली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका निर्णय खुद ही करती है कि कब एक डिजीज फॉर्मली एक पैंडेमिक बन चुकी है। इसके लिए 3 पैरामीटर्स हैं जिन्हें इवैल्यूएट करना WHO के लिए बेहद जरूरी है। पहला, वायरस का ज्योग्राफिकल स्प्रेड। दूसरा, वायरस से फैलने वाली बीमारी की संगीनता। और तीसरा, सोसाइटी पर इसका इम्पैक्ट कितना और कैसा है। साइंटिस्ट एक और चीज असेस करते हैं, जो है डिजीज का R0। ये एक मैथमेटिकल फिगर है जो बताता है कि हर एक इन्फेक्टेड इंसान से और कितने इंसान बीमार पड़ सकते हैं। WHO के मुताबिक COVID-19 के एस्टिमेट के हिसाब से इसका R0 है 1.95 और दूसरे रिसर्चर्स के मुताबिक ये है 2.2 का R0। मतलब 2 लोग हर एक इन्फेक्टेड इंसान से ये वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इतिहास में पैंडेमिक फैलने का कारण जानवरों से वायरस इंसानों में पास ऑन होने का रहा है, और ये तेजी से इसलिए फैला क्योंकि इंसानों में इन वायरस से लड़ने लायक इम्यूनिटी नहीं होती। WHO ने COVID-19 को मार्च 2020 में पैंडेमिक घोषित किया। 1918 में स्पैनिश इन्फ्लुएंजा 20वीं शताब्दी का आसानी से सबसे बड़ा पैंडेमिक था, जिसने अरबों में लोगों की जान ली। उसके बाद 1957 में एशियन फ्लू आया, जिसने 1 मिलियन के करीब लोगों की जान ली, मगर उस दौरान विशेषज्ञों ने इसका वैक्सीन बना लिया था, जिसे ये फैलने से रुक गया। एक और ऐसा ही हांगकांग फ्लू चाइना से फैलना शुरू हुआ था 1968 में। ये फ्लू एक कंपाउंड वायरस से बना, जो 10 साल पुराने एक एशियन वायरस और बर्ड फ्लू का एक कॉम्बिनेशन था, जिससे ज्यादातर 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों की जान गई। करीबन 1 मिलियन लोगों की मौत हुई इससे। 1983 में HIV वायरस को आइडेंटिफाई किया गया, जो एक पैंडेमिक साबित हुआ उस दौर में। ये इंसान के इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है और रोज के इन्फेक्शन या बॉडी के किसी भी चीज से लड़ने की क्षमता को खत्म कर देता है। पिछले 40 सालों में इससे 35 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान गई। फिर 2009 में स्वाइन फ्लू नामक एक और वायरस का प्रमाण मिला, जिसने करीबन 61 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट किया और एस्टिमेटेड एक साल में 575,000 लोगों की जान ली। WHO ने अगस्त 2010 में इसको पैंडेमिक घोषित किया, मगर तब से लेकर आज तक ये सीजनल फ्लू के रूप में सर्कुलेट हो रहा है। पैंडेमिक का साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण लोगों में पैनिक या पैरानोया से एंग्जाइटी होने के चांसेस हैं, जिसे नियंत्रण करने के लिए हर देश में एक पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्लान का लोगों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। 2002 में कोरोना वायरस के एक ट्रेंड, जिसे SARS के नाम से जाना जाने लगा, पैंडेमिक होने से बच गया था, जिसमें 8,000 तक लोग इन्फेक्ट हुए और इसे ग्लोबल इकोनॉमी को $50 बिलियन का कॉस्ट उठाना पड़ा। टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट की वजह से हवाई यात्रा या अलग अलग टेक्निक से ट्रेड फ्लो चीप होते गए, जिससे दुनिया और ज्यादा इंटरकनेक्टेड होती गई, और यही कारण बन जाता है किसी भी पैंडेमिक का वर्ल्ड इकोनॉमी पर महंगा पड़ना। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पैंडेमिक का एक साल का कॉस्ट $570 बिलियन के करीब है। इसके अलावा पैंडेमिक वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी को बेहद तेजी से कम कर देता है। स्कूल, बिजनेसेस और पब्लिक सर्विसेज का शटडाउन के साथ ग्लोबल सप्लाई चेन को ये चोक कर देता है। एक पैंडेमिक एक साधारण जीवन की गति को रोककर एक ग्लोबल रिस्क का रूप ले लेता है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता,
मगर सबसे ज्यादा नुकसान होता है समाज के सबसे निचले हिस्से को, और एक पैंडेमिक का खत्म होने का तरीका बेहद लंबा और क्रिटिकल होता है। ABP News, आपको रखे आगे।